गोरखपुर जिले में लगातार 24 घंटे से अधिक बारिश हो रही है। बुधवार को दिन में रह रहकर झमाझम हुई बारिश शुरू हुई तो उसका सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। बारिश संग चल रही ठंडी हवा से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। हालांकि महानगर के कुछ इलाकों में जलभराव हो जाने से लोग परेशान भी रहे। आपको बता दें, मौसम विभाग विशेषज्ञों के अनुसार बारिश का यह सिलसिला अभी 2 दिन तक नहीं थमेगा। शुक्रवार को और शनिवार को भी मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। सुबह से शाम तक बुधवार को तकरीबन 40 मिलीमीटर बारिश हुई। अगले 2 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि लगातार हो रही बारिश को लेकर आपदा विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 26 तारीख तक भारी से भारी वर्षा हो सकती है। इसको लेकर जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए नगर क्षेत्र या नगरीय निकाय क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न होने पर नगर निगम और नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दौरान एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने आम जनमानस से अपील किया है कि बरसात के समय में आकाशीय बिजली गिरने से किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है। इससे बचाव के लिए बरसात के समय में लोग सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, जिससे कोई जनहानि न होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, एडीएम फाइनेंस हूँ गोरखपुर में। वर्षा को लेकर के आपदा विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि आगामी 26 तारीख तक अत्यधिक वर्षा होगी। इसका यह दुष्परिणाम हो सकता है कि नगर क्षेत्र में या नगरी निकाय क्षेत्रों में कहीं पर जल भराव की स्थिति हो सकती है। तो नगर निगम एवं नगरी निकायों को निर्देशित किया गया है कि अगर कहीं जल जमाव या जल भराव होता है तो उसको तत्काल उसके निकालने की व्यवस्था करें। आम नागरिकों से अनुरोध है कि हर बार आकाशीय बिजली से किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है, तो आप लोग ऐसे समय में सुरक्षित स्थानों पर रहें जब तक इस प्रकार का अलर्ट है। सुरक्षित रहें और जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि या किसी प्रकार की हानि न हो। धन्यवाद सर। अब तक बारिश की क्या स्थिति? पिछले दिन से लगातार वर्षा हो रही है और अत्यधिक वर्षा हो रही है, और जो अभी प्राप्त सूचना के अनुसार 26 तारीख तक ऐसी वर्षा होगी, तो वर्षा की स्थिति अभी बनी रहेगी। लोग सुरक्षित रहें, ये मेरा अनुरोध है। सर,